हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को सादर प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत 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 अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनीता देवी रियल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। और अभी सुबह के बजे हुए हैं 7, तो मैंने नहा लिया है और नहाकर कपड़े भी धुल दिए हैं, बच्चों के कपड़े भी धुल दिए हैं। और बस अब हमको खाना बनाना है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और करते हैं हम खाना बनाने की तैयारी। और खाना बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज सभी लोग खेत पर गए हैं और हम घर पर अकेले हैं, तो तभी हम खाना बना रहे हैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, हम काटने लगे हैं सब्जी, और सब्जी में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और कुंदरू की सब्जी। और शाम को हमने भरवा कुंदरू बनाए थे, भरवा कुंदरू और दाल चावल रोटी, इस वजह से आज हम भरवा नहीं बना रहे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और कुंदरू की ग्रेवी वाली सब्जी, रसीली सब्जी। तो देखिए, कुंदरू हमने काट के रख लिए हैं, आलू काट के रख लिए हैं, और एक टमाटर है जिसे हमने काट लिया है, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन, इन सारी चीज़ों को हमने काट के रख लिया है। और ये है बेसन, तो इस डब्बे में बेसन रहता है। और दीदी गई थी चक्की, तो वहीं से बेसन पिसवा करके ले आई, तो हम बेसन भर रहे हैं डब्बे में। और जब थोड़ा बेसन पीसना होता है तो हाथ वाली चक्की से घर पर ही पीस लेते हैं, और जब ज़्यादा पीसना होता है तो फिर बाहर की मतलब चक्की से पीसकर आ जाता है, लाइट वाली चक्की से। तो इधर ये तेल का डब्बा है, इसमें सरसों का तेल रहता है, तो तेल ख़त्म हो गया है, तो तेल पिरवाने जाना है, इस वजह से ये डब्बा साफ करें। उसमें थोड़ा सा तेल है, तो उसको हम ये डेली जो यूज करते हैं छौंकने में, तो उसी डब्बे में भर रहे हैं। और देखिए, इधर चढ़ा दी हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल, ये शुद्ध सरसों का तेल है। तो इसमें डाल देंगे हम जीरा, और जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। इन सारी चीज़ों को हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे, और जब ये ब्राउन हो जाएंगे हल्का सा, तो इसमें डाल देंगे हम कुंदरू। और कुंदरू डालने के बाद इनको धीमी आंच में हम पकाते रहेंगे, जब तक कुंदरू का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे। तो इधर देखिए, कुंदरू हमारी पक रही हैं, और एक तरफ हम दूध रख देंगे पकने के लिए। ये 1 लीटर से ज़्यादा दूध है, और इतना ही बचाया जाता है, क्योंकि कभी बच्चे खाते हैं और कभी नहीं खाते हैं, तो इतना ही दूध बचाते हैं सुबह और शाम को भी। और इसमें डाल दी हमने आलू, तो देखिए कुंदरू का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इसमें आलू डालकर हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। और ये देखिए वही डब्बा है, तो दीदी नहा रही थी तो दीदी ने इसको धुल दिया है, और ये निकाल दी है, उसके अंदर जो खरी बैठ जाती है ये वही है। तो इससे भी तेल निकालेंगे, इसको थोड़ी देर धूप में रख देंगे तो इससे भी तेल निकल आएगा। और ये इधर देखिए, दूध भी हमारा पक गया है, और इसमें डाल देंगे हम मसाला। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर, और ये घर की कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, यही मसाले जो हम डेली यूज करते हैं, यही सब डाल देंगे। और डालने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिला देंगे, और मिलाने के बाद इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, बंद करके पानी डाल देंगे इसमें और बंद कर देंगे। तो देखिए, सब्जी हमारी कब तक पकेगी। और इधर हम कर रहे हैं चावल बनाने की तैयारी, तो ये चावल लेकर हम बैठ गए हैं। और रोज़ रोज़ क्या बनाएं, तो यही है हम देसी लोगों का देसी खाना, सभी लोगों के घर में ऐसा ही बनता है, और किसी के यहाँ कुछ तो किसी के यहाँ कुछ बदल के बनता ही रहता है, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है बनाने खाने की। और इतना सारा काम सब अकेले ही संभालना पड़ता है जब कोई घर पे नहीं होता है, तो यही है इंडियन हाउस वाइफ, और हम लोगों का यही काम रहता है। तो देखिए, चावल भी हमने धुलकर साफ़ कर लिया, और हमारी सब्जी बनकर के हो गई तैयार, सब्जी बन गई है, दूध भी हमारा पक गया है। और अब हम इसमें चढ़ा देंगे चावल बनने के लिए। तो देखिए, सब्जी को हम नीचे उतार कर रख देंगे,
और चावल बनने के लिए रख देंगे। और जब तक हमारे चावल बनेंगे तब तक हम लगा लेते हैं आटा। तो आटा गूंदेंगे हम, देखिए इतना आटा बनाएंगे। जब चावल बनते हैं तो कम रोटी बनानी पड़ती है, तो आटा भी हमारा लगकर हो गया तैयार। और अब हम बना रहे हैं रोटी। तो सबसे पहले हम गाय के लिए रोटी बनाते हैं, छोटी रोटी। और डेली का नियम है हमारा कि हम गाय को सबसे पहले रोटी बनाते हैं। और घर पे आज कोई है ही नहीं, क्योंकि आज सुबह से हम काम पर ही लगे हैं। और इतना ज़्यादा काम हो जाता है घर पे, बस बताने में तो 10 मिनट में 12 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाता है, लेकिन सुबह से काम में लगे लगे पूरा टाइम निकल जाता है। तो देखिए इतनी हमारी रोटी बन करके तैयार हैं। और इधर हम कर रहे हैं खेत ले जाने के लिए खाना लगा रहे हैं। ये सभी लोग खेत में हैं तो उन्हीं के लिए खाना लगा रहे हैं। तो अपने लिए केवल सब्जी बचाएंगे और सभी लोगों के लिए हमने खाना लगा दिया है। तो देखिए इस छोटे वाले कटोरी में सब्जी है और इसमें चावल रोटी और थाली भी रख दी है, और ये खाना खेत जाएगा। और इधर हमने दूध निकाल लिया है अपने खाने के लिए। पहले हम दूध रोटी ही खाएंगे, इसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। और सब्जी रोटी हम बाद में खाएंगे, पहले दूध खा लेंगे थोड़ा सा, इसके बाद में सब्जी रोटी बाद में खाएंगे। और इधर देखिए ये वही है जो तेल वाले डब्बे से निकाला था, तो ये दीदी उसी में से तेल निकाल रही हैं। तो ये खरी खरी निकल जाती है काट काट, और ये तेल इतना निकल आया है। तो देखिए इस तेल को हम रख देंगे तो ये तेल अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इसको छान लेंगे हम। और ये देखिए इतना तेल निकल आया है, नहीं तो वैसे इसको डाल देते तो जानवर खा लेते हैं, लेकिन निकाल लिया इतना तेल। और हमने रख दिए बर्तन, बर्तन हमने धुलने के लिए रख दिए हैं, पर अभी धुलेंगे नहीं, सबसे पहले हम लगाएंगे झाड़ू, नहीं तो झाड़ू बाद में लगाते तो फिर बर्तन गंदे हो जाते हैं। झाड़ू बाद में लगाएंगे तो पहले हम लगा देते हैं झाड़ू घर में। और झाड़ू हमारी लग गई है देखिए, और हम कूड़ा भर करके इसके फेंक देंगे और फिर हम बर्तन धुलेंगे। और ऐसी हालत में ही अकेले घर का काम करना पड़ता है, तो धीरे धीरे करते हैं तो टाइम हो ही जाता है। और देखिए सुबह हम 5 बजे सो करके उठे थे और तब से लगे ही हैं बराबर। और ये देखिए मीठी थी तो उसी को हम डांट रहे थे, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी, या सभी लोग खेत में थे। तो बर्तन भी हमारे धुल गए हैं, और बर्तन धुलने के बाद ही हम मीठी को तैयार करेंगे, नहलाएंगे, ये सब करेंगे। तो बर्तन धुलने के बाद ये सुबह के नहाए हुए हमारे कपड़े हैं, मीठी के कपड़े हैं और हमारे कपड़े हैं। तो इन कपड़ों को हम धूप में डाल देंगे। तो हम जा रहे हैं कपड़े डालने धूप में, और इसको हम नहला रहे हैं मीठी को। और हम दोनों लोग, हम तो सुबह ही नहा चुके थे, ये नहा चुकी थी सुबह, पर इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो देखिए ये बोलती है, जब भी नहाती है तो बोलती है पानी में डिटॉल डालो, तो डिटॉल डालकर इसको हम नहलाएंगे। और आज मोहिनी नहीं है, वो चली गई है खेत पर, नहीं तो ये उसी के साथ में सुबह तो नहा लिया था इसने। और देखिए पानी ख़त्म हो गया था, आ गई थी लाइट, तो हमने सोचा पानी भर के रख दे, नहीं लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो देखिए पानी हम भर रहे हैं, और पानी भरने के बाद ही हम भी थोड़ा सा हाथ मुँह धुलकर तैयार हो लेंगे। तो देखिए मीठी हमारी पकड़ के रखी है, और एक बार ऐसे ही इसने अपने पेट में लगा लिया था, और हमने समर बंद कर दी थी, तो इसके पेट की जो खाल होती है वो खींच लिया था। और ये देखिए मीठी हमारी नहा चुकी है, और हमने भी हाथ मुँह धुल के बाल बांध लिए हैं, हम भी तैयार हो गए हैं, और मीठी को कर रहे हैं हम तैयार। तो मीठी हमारी तैयार हो रही है खेत जाने के लिए, और ये ऐसे बोलती है ऐसे ऐसे करके पाउडर डालो, तो बोलती रहती है कि गर्दन में डालो, क्योंकि धमोरी निकली है इस वजह से। तो देखिए दोस्तों सुबह से लेकर दोपहर तक का हमारा सारा काम हो गया है, और मीठी और हम अब दोनों लोग हो गए हैं तैयार। तो तैयार होने के बाद हम लोग भी जा रहे हैं खेत, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और लाइट भी नहीं है, तो वहीं पर ठंडा मौसम है, तो वहीं जाकर बैठेंगे और देखेंगे कि खेतों में क्या काम हो रहा है। तो
तो हम पानी लेकर जा रहे हैं और खाना तो सुबह ही पहुंच गया था, तो सभी लोगों ने खाना खा लिया होगा और पानी भी गया था, तो शायद पानी ख़त्म हो गया हो। तो हम पानी लेकर के जा रहे हैं और खेत पहुंचने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और दिखाते हैं आप लोगों को हमारे खेत और खेतों में क्या काम हो रहा है। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो ये हमारे खेत जाने की रास्ता है और मीठी हमारी चल रही है और बहुत बातें करती है, ये चाबी लिए हुए है हाथ में। तो हम दोनों लोग जा रहे हैं और ये धीरे धीरे चल रही थी, तो इसको हम डांट रहे थे कि इतना धीरे क्यों चलती है, जल्दी जल्दी चलो। और ये देखिए जो सामने पेड़ दिख रहे हैं, यही है हमारे खेत। तो हम और मीठी दोनों लोग जा रहे हैं, तो देखिए और बहुत अच्छा लगता है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि घर आने का मन ही नहीं करता है। तो अभी आप लोगों को पहुँच कर दिखाएंगे। और ये देखिए हमारे खेत के पास ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, इसे हमने यहाँ आकर ही पहली बार देखा है। और ये है कनेर का, सफ़ेद कनेर है। तो इसमें देखिए ये फल जैसे लगते हैं, बोलते हैं बिलायती गोलर है, कौन सा गोलर है ये नहीं मालूम, लेकिन इसमें छोटे छोटे से फल लगते हैं इस तरह के, देखिए। और देखने में काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, छोटे छोटे फूल भी इसमें लगते हैं। तो हमको मालूम नहीं है किसको क्या बोलते हैं, दीदी से पूछा था तो बोल रही थी कि बिलायती गोलर है। और ये देखिए मीठी हमारे फूल तोड़ने के लिए परेशान कर रही थी, तो इसको हमने फूल तोड़ के दे दिया है। और हम आ गए हैं खेतों पर। तो खेतों में आने के बाद ये देखिए खेत में मक्का बोई हुई है बगल में। और ये है हमारा खेत जहाँ पर मोहिनी खेल रही थी पहले से। और ये है आम के पेड़ हमारे, ये लाइन से पूरे आम के पेड़ हैं। और खेतों में ये खेत हमारा बराबर किया जा रहा है, क्योंकि ऊंचाई पर है खेत, तो इसको बराबर कर रहे हैं, थोड़ा खाली कर रहे हैं, क्योंकि बम्बा का पानी इसमें नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से खेत को बराबर कर रहे हैं। तो सभी लोग हैं, मतलब लेबर सभी लगे हुए हैं आम मिले, और इसकी मिट्टी निकाल निकाल कर बराबर कर रहे हैं इसको। और सभी लोग हैं यहीं पर, दीदी हैं, मोहिनी है, जीजा है, मीठी के पापा हैं और बाकी के लोग भी हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।